ऐसा लग रहा है मैं बुढ़ापे तक ब्लॉगिंग करती रहूंगी। दीदी आपकी तो टी सीरीज में स्टोरी लगाई है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज की सुबह मेरी टॉफी से होती है और मैं खा रही हूँ सबसे पहले टॉफी और यहाँ पर सब लोग मेरी सेवा में बिजी हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सी खाऊं देखो आप ही बताओ, आपकी चॉइस से खाऊंगी, या लड़ी खाऊं या रॉकेट खाऊं, चक्री या फिर ये बॉम्ब खाऊं, सुतली बॉम्ब। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, जब तक मैं रुक नहीं सकती हूँ ये खाऊंगी मैं चक्री में आई थिंक वाइट चॉकलेट निकलेगी और यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा ही सेवा हो रही है आजकल तो। और ये मम्मी पाठ कर रही है, खुशी बना रही है चावल। आहा चावल बताना खुशी, खुशी जो अभी हुआ था वो तो बताओ। पूरे चावल बना लिए। नहीं मैंने क्या किया, अरे मम्मी बताए मैंने क्या किया। चलो भाई, मम्मी है गुस्से में, यहाँ पाठ में खुशी ने डिस्टर्ब कर दी उनको। हाँ अब बता। तो क्या हुआ कि है ना, मैंने भगोनी में सिर्फ चावल बनने के लिए रख दिए। हाँ। और दूसरी जगह मैंने है ना आलू और जो भी सब्जियां वगैरह काटनी थी ना, तो वो काट के उबाल ली। और उसके बाद फिर मैं मिक्स कर रही, तो दोनों को मिक्स कर दिया ना, मिक्स कर रही, मैंने कहा यार कलर क्यों नहीं आ रहा, फिर याद आया मैंने नमक नहीं डाला। तो ये जो टैलेंट है वो कहाँ से आ गई, किस दुकान पर से खरीदती हो तुम? ये आप ही डाल के लाई, मैं ऊपर से डाल दी, आप जैसे बने वैसे खा ले। वो तो खा ही लेंगे। ये देखो मेरा आज का ड्रेस अप कैसा लग रहा है, और ये कांच कितने दिनों से साफ नहीं हुआ है और आज भी नहीं होगा क्योंकि मैं करूंगी नहीं। वाओ व्हाट अ जोक, थैंक्स। मैंने फिलहाल थोड़े से ही लिए हैं, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसे लगते हैं। और पता है गाइस मुझे ठंड सबसे अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि उसमें मटर होती है, वो भी ताजा, फ्रिज में जो रखी रहती है वो वाली तो होती है, लेकिन साथ में जो वो छील कर उसको ऊपर डालते हैं वो उसमें अलग ही इंटरेस्ट आता है। अच्छे मतलब बेस्ट, ओके नॉर्मल, बहुत टेस्टी, बेस्ट सच में। मुझे भी खिलाना। वो कुर्ती हाथ की चीज कभी किसी को पसंद ही नहीं आती है। अच्छा मम्मी पूजा करके आ गए इधर, मम्मी इधर। ज्योति मैं तो ऊपर जा रही हूँ, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा कहाँ निकल रही ऊपर से हवा, और हवा बने चले। और जब तुमने कुर्ता कौन सी ना डालो गरम गरम, मुझको ऐसी सुकून ऐसी ऐसी सुकून में लो, मैंने और ओढ़ा आराम त्या पर वो उस टाइम पर मेरे दिमाग में क्या रही, मैंने मम्मी को गरम गरम प्रेस करते हैं तो वो कपड़ा गरम हो जाता है, तो वो मैंने मम्मी को उड़ा दिया, तो मम्मी तताई से मिल गई हो गई, क्योंकि वो 3-4 घंटे में पाठ करके उठती है हनुमान जी का। बस फिर अब चलते हैं। हाँ ठीक है, आ रही आ रही। तो ये फिलहाल पापा को दे देते हैं, पापा बिजी है अपनी शॉपिंग दुकान में, तो मैं दे देती हूँ। ये लो। वाह बेटा वाह, मजा आ गया। मुझे पता था तुम बोल रहे हो कि कुछ बना लो ऐसा लग रहा था। वाह वाह वाह, अरे वाह। अच्छा नहीं कभी खाया है बहुत सारा, आज कुछ नहीं खाऊंगी। अरे मना नहीं है, लेकिन कल ही खाया है, कितना सारा खाया है। हाँ वही तो, ठीक है मांग लेंगे। पापा बोल रहे हैं कि कुछ भी चीज मांग लिया करो, चाहिए हो तो चाहे कल खाया हो, परसों खाया हो, नरसों खाया हो, सांस फूल जाती है यार। मेरे लिए रुकियो या फिर धूप लग रही है, जल्दी खा लो। मुझे भी खाने के बाद बैडमिंटन खेला तेरी धूप में, खेलते हैं। हाँ थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, सही है, और मम्मी को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। धूप तो मिस रहती है, दो दिन से बहुत मिस कर रहे थे इस धूप को। आ जाओ दे दो मुझको, दे दो यहाँ पे आओ। और चटाई क्या है? चटाई नहीं बिछाई। वाह तो धुली धुलाई जो कल बारिश हुई है उस छत पर खाएंगे। तो कुछ तो 3 चम्मच नहीं लेकर आई, तो हाथ से खाने का मौका मिल गया। चलो नहीं मैं 3 चम्मच लाई हूँ, ये 1 2 3। पानी लाना भूल गई थी, तो फटाफट से पानी लेकर आ गई। और खुशी की बात बताए, बता दे
मम्मी अभी जो खुशी ने कांड किया था वो तो सुनो। खुशी आप अपने मुंह से बताएंगी या फिर मैं आपकी तारीफ करूं थोड़ी सी? मम्मी पता है खुशी ने सारी मेरी सब्जियां काट ली और चावल भी उगा लिए, लेकिन नमक मिर्ची धनिया हल्दी कुछ भी नहीं डाला और मिक्स करके और लेकर आ रही। फिर उसको याद आया कि अरे नमक मिर्ची तो डाला ही नहीं है, मतलब जो मसाला है वो एक बार भी नहीं सिखा है। हाँ ऊपर से डाल दिया मैंने, कभी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो मेरी ये गलती है, सब भूल गई तो भूल गई। तो मेरे से कोई गलती होती है ना तो खुशी ऐसे मम्मी पता है दीदी ने अभी क्या किया, मम्मी पता है इसने क्या किया। वो क्या है ना, उनको पसंद है आना, वो बोलते रहते उस दिन धनतेरस के दिन के जाने तो वाली के दिन आए थे। आप लोग यही रहते हैं? अच्छा रेंट पर। जब मानस की माँ है। हाँ बताया मम्मी जानती थी, अपन नहीं जानते। पहली बार ही मिली है ना, जा रही थी तो मैंने क्यों कहाँ जा रही हो, क्या भाई भाभी रहते हैं कहाँ? मम्मी तो बात करनी शुरू हो गई। सो स्वीट आंटी जी, तो गाइस ये वो बच्चे हैं जो करवा चौथ के दिन यहाँ पर खड़े हुए थे, पर वो बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो उनका फेस नहीं दिखा, लेकिन वो एक और बार आए थे गाड़ी वाली ब्लॉगिंग में, गाड़ी वाली उसमें आए थे जब नई स्कूटी आई थी, तो उसमें से एक बच्चे को पता भी था कि मेरी टी सीरीज ने एक स्टोरी मतलब वीडियो डाली थी स्टोरी पर। ऐसे क्यूट क्यूट बच्चों को हमको ब्लॉग लेने में बहुत अच्छा लगता है, और आंटी भी बोल रही थी कि उनको हमारे ब्लॉग में आना भी अच्छा लगता है। So sweet. कहाँ पे मिली मम्मी? अरे वो तो पूरा डब्बा ही दे रही है मम्मी। लगनी जाए? लग जाए भले। लग जाए। कुर्सी पे। नहीं 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 फेंको मम्मी फेंको। हाँ फेंक जाएगी, या तो उधर गंदे नाले में जाएगी। बोले। क्या बात है यार तू नहीं। हाँ मम्मी तुम तो आ जाओ यार, तुम्हारी वजह से ही तो खेल रहे हैं। तुम्हारा काम दिन भर चलता है, अभी तो आ जाओ। खुशी हवा चल रही है यार, क्या मम्मी जैसी गई ना वैसी हवा चलने लगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है नेचर भी चाहता है कि अपन भी नहीं खेले। नहीं मम्मी के तो खेलते हैं ना थोड़ा सा। चल ठीक है गाइस, आप लोग भी आ जाओ खेलने के लिए। अब नहीं कोक अपन इधर उधर नहीं भेजेंगे सच में, और भेजेंगे ना तो पहले आंटी को बता देंगे। देखो आंटी ब्लॉग में गिरी थी ना वही है, और ये आज का ब्लॉग है 3 तारीख है और दिसंबर का महीना है 2023 है, सब बता देंगे। और इतने बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड पे गिरी थी। दीदी तो चीटी बराबर दिख रही है 0.25 पे। अगर ये नहीं होता ना तो कोक जाती दोबारा। अरे यार आराम से खेलना चलो। ज़्यादा बेइज्जती नहीं हुई? क्या मैं बैडमिंटन खेलना भूल तो नहीं गई? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मैं कब खेल रही हूँ रेगुलर। जब मैं खेलती थी ना तब मैं इतना खेलती थी, मतलब 4-5 घंटे कब निकल जाते थे पता भी नहीं। नहीं खेल पा रही यार आज, मेरी सारी कॉक छूट रही है, बहुत तेज हवा चल रही है तो नहीं खेल पा रहा है। चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम खेलेंगे बेटर देन। मम्मी आएंगी तब? हाँ मम्मी आएंगी जब खेलेंगे। आप ना लो इतना लेट, हमें 5 घंटे हुए नहाए हुए, कब नहाए थे सोचो। अभी अभी कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। पापा बहुत ज्यादा लेट हो गए नहाने में। कुछ नहीं याद आ, हाँ करना मस्ती करनी आती है मुझे बच्चों के साथ, और वो काल भी खींचती है। आप किसी भी करती है। शादी का खर्चा चाहिए ना, पैसे चाहिए शादी के लिए, पैसे तो लगते हैं, कपड़े चाहिए। इतने पैसों के तो आप लोग लेंगे खरीद लोगे आराम से, लहंगे के लिए तो ले रहे हैं। फाइनली फॉर्म भर गया, क्योंकि मुझे पहली बार मैंने भराया ना तो इतना डिफिकल्टी हो रही है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं बुढ़ापे तक ब्लॉगिंग करती रहूँगी ऐसे करके। हेलो आगे से 2 लात गिरे हुए। ज्योति जूती ले आ, नहीं तो किस, अब तू गई काम से, जहाँ देखो वहाँ पे पैन का उठा है मोह चलती बनते। ग्वालियर में भेज जाइए ऐसा करिए, शादी में भेज जाइए बिन्ने।
वो पहन जाएगी मम्मी वो डी पहन जाएगी ना। हाँ तो बस नहीं, एक बार क्या हुआ, रिश्तेदार थे बता, बहुत ज्यादा क्लोज थे, उसमें मैं सैंडल पहन के गई जूती। नहीं तो कह रहे हैं हाँ, कितनी शाबाशी है, अपन को शाबाशी दो। शाबाशी दो, ये शाबाशी नहीं थी। नहीं नहीं शाबाशी दो, ये पनिशमेंट थी। हुँ? नहीं जहाँ देखो वहाँ पे उठाए मुँह अपने बेजी पहन जा रही है चीथरन में। आज मार्केट जाऊंगी तो भी वही पहन के आऊंगी। आज चली जा चुपचाप जो थी तू। अरे मेरे को भी वहाँ जाना है ना, मेरे को भी अपने क्रीम वगैरह लेके आनी है। अरे मारे अपन साड़ियाँ नहीं ले गए, तुम ले जाओ चलो साड़ी है, फॉल ले आना है बाकी साड़ी की मेरी। रेड कलर की लेकर आएंगे, रेड नहीं वो वाली ला, वाइन कलर की। लो चलो चलिए चलिए चलो चलें दीदी। मैंने साड़ी ले ली है, ये पर्स लेके जाएंगे क्या? ले चल या फिर ये वाला ले चल। शॉपिंग आज नहीं होगी, आज सिर्फ नॉर्मल छोटे मोटे काम जैसे जूते लेकर आना है मेरे लिए, खुशी के लिए क्रीम वगैरह लेकर आनी है, ऐसे काम कर लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। अभी मैं अपनी रीत को बरकरार करती हुई, पर आज ये चेंज हो जाएंगी। हाँ देखते हैं, क्योंकि मेरे साइज की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है जो मिलती ही नहीं है। बाय। ऐसी नहीं, अरे तो नंबर चेक करना है, नंबर देख, नंबर चेक करना है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं चाहिए। ये वाला सुंदर लग रहा है ना। तो गाइस फाइनली हम जूते की दुकान पर आ गए हैं। ये ऐसा गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ तक कवर होना चाहिए। यार सीट बहुत खराब है, बार बार आगे आगे खिसकते आ रही हूँ। ये सही है, हाँ दिस वन इज गुड, सात नंबर है। नहीं अंकल शू में नहीं चाहिए ना, शूज में ये वाली नहीं अंकल, यहाँ तक कवर होना चाहिए। ठीक है अंकल, इस टाइप का कुछ नहीं है क्या? हाँ इसमें तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? ये ब्राउन ही अच्छी लग रहा है। हाँ ये वाला, ये वाला इसमें, ये डार्क दिखाओ, हल्के नहीं, ये गंदे हो जाते हैं ना तो पता चल जाता है। कलर हो रहा है आपको? हाँ बता दीजिए आप। नंबर सही आ गया, पेन ना दे रहा। हाँ नंबर सही है, छह और सात मेरे को दोनों आ जाते हैं। अंकल जी और लेकर आ रहे हैं ऑप्शन में। वैसे मैं हल्के इसीलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि पता चल जाता है कि गंदे हैं, जो डार्क लेते हैं ना तो नॉर्मल लगता है कि हाँ। एक चीज पसंद आ जाती है उसके अलावा तो और किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है। सर्दी आ गई है, फैशन की कोई अच्छी अच्छी नहीं है। फाइनली मिल गए। कितने की बार्गेनिंग करनी? 20 रुपए की। एक काम करता मैं नई जूती पहन लेती हूँ अभी। हाँ सीरियसली पहन ले पागल, यही फेंक के जाऊंगी। नहीं उस जब कोई नहीं था तब इसने साथ दिया है इसने। चलो फिर, अरे मेरी तरह ही आ जाती है। नहीं मुझे मजा आता है। मैं ड्यू दिखा दीजिए। गर्ल्स स्ट्रॉन्ग कौन सा है वो ही दे दो आप, गर्ल्स चाहे बॉय। ट्रांसपेरेंट बेकार लगती है, देखती नहीं है ना। चलो सही हो तो छोड़ा देगी। अरे यार इधर से निकल जाते हैं कहीं से। अरे पीछे से निकल जाना, वो कुछ नहीं करेगी। ये देख ऐसे आ। हाँ गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी की फॉल मैचिंग कराने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार मम्मी को न्यू साड़ी नहीं मिलने वाली है। इस बार मम्मी पुरानी साड़ी से ही काम चलाएगी। नहीं पर वो साड़ी आज तक मम्मी ने एक बार भी नहीं पहनी। फिर भी अंकल साड़ी की फॉल चाहिए। अच्छा नहीं दीदी पास ही मिलती है, उधर आगे मिलती है। दीदी अच्छा। ओ दीदी इधर आओ। कहाँ मिलती है? अरे मुझसे ही पूछ लेती यार, ये रही। वो हो गया हमारा। क्या पोपट कर आया है अंकल। वाइन कलर की फॉल चाहिए। हाँ अंकल अभी पता है वो गलत दुकान पर घुस गए थे, फिर हमने सोची कि ये दुकान तो नहीं है, वो वाले अंकल जी नहीं है। ये सूती नहीं चाहिए अंकल, पॉलिस्टर का चाहिए। पॉलिस्टर ये वाली इसको आप रख,
अच्छा ठीक ठीक हम रख देते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं अंकल, आपने बोला बेटी समझ के ही बोल दिया आपने। बिल्कुल बेटा, बेटा आप तो हमारे बस ऐसे ही दादाजी की, पापा की, मम्मा की, सबकी सफलता की वो मेरे को सारी वो क्या बोलते हैं उसकी आशीर्वाद की कमी है। डॉक्टर ने बताया मुझसे दिन में 10-15 बार आशीर्वाद लेना चाहिए यार किसी से। पूछिए क्या कर रही है। हाँ हाँ और आगे और आगे और आगे। हाँ बेटा इधर ले आओ, तू मैं नहीं आ रही, तू आ जाना प्लीज। पेट्रोल पेट्रोल बेकार हो जाएगी। क्या बोला फिर से बोलिए जरा। पेट्रोल पेट्रोल महंगी पड़ती है जल्दी से। और मैं जो 4-5 कदम चल कर आई हूँ वो ये देख फिर चली गई। कितनी बेकार है खुशी आज का। मैं इसमें जानबूझ के नहीं चली, वो दीदी की गाड़ी अटकी हुई थी उधर, अब निकल गई। चलो बैठो। जब से बाजार आई है ना तब से इसे वॉशरूम आ रही है और वॉशरूम के चक्कर में अपना कंट्रोल खो रही है। तो मैं यहाँ से चढ़ी उसने मुझे वहीं से ही उतार दिया। सच में मजाक क्यों करूंगी और ये तेरे ब्लड है आटा। बाकी सब तो छोड़ो, तुम जूती देखो, जूती ले आए। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही होगी। आ, 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 आ। क्या हो गया? पैरों पर चढ़ के गिरी, क्या हो गया? जूती बढ़िया ले आई। कैसा कलर है? बढ़िया कलर लिया। तो गाइस मम्मी एक तो ये गंदी फोन लेकर आ गई, ऊपर से हमसे ही बोल लेंगे। अपनी ही लेके आए हैं ये गंदी नहीं है। ये तो नहीं ये वाली, ये जो मम्मी खुद लेकर आई थी। हाँ दिखाना, मुझे तो अच्छी है। हाँ हाँ वेरी गुड। किसके लिए आई है और कौन पहन रहा है? अरे तो पिछली बार तू भी ले आती, तेरी सिलाई हो गई होती वो जूती में। ओ बता ये क्या कह रही, एकदम काली जूती ले लो जैसे स्कूल में पहनते हैं। मैंने कहा यार थोड़ा तो ट्रेंड फॉलो करो। ये अच्छी लग रही है वो वाली। अच्छी तो उसकी गिरे पच्ची थी। तो गिरे पच्ची थी पर वो गंदी भी नहीं, जो गंदी भी नहीं दिखेंगे। गंदी की बात नहीं लेकिन उस ब्लैक वाली की ग्रिप बहुत अच्छी थी, मैं वो ही लेने की सोच रही थी पर ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में ये घटिया ले आई। चल प्राण तो बचे हुए, चीता रहते नहीं। बाजार जाऊंगी तो यही पहन के जाऊंगी। अरे भैया मम्मी ने उठा के फेंक दो। ग्वालियर से आने के बाद इसे पहनना स्टार्ट करूंगी, उससे पहले वो नहीं पहनूंगी। क्यों? ग्वालियर में बनेगी पहन जाएगी मम्मी। अपन दोनों चल, खुशी तू चल चल, तू बिना पहन जा। मजाक किया था मम्मी, जोक मेरा जोक मत बनाओ। हां जोक वोक नहीं चलता यहां, तो हकीकत बात है। अब तू वही पहन के जाइयो, बिन नहीं पहन के जाइयो। अब तू उन्हीं को पहन के जाना बस। तो मम्मी फिर इसको ग्वालियर ले आने की जरूरत ही नहीं है, अपन दोनों चलेंगे, दीदी यही रहेगी। दीदी दीदी हाँ कोई जरूरत ही नहीं है, तू आओ चीतरा पहन के जाएगी। चीतरा ही वो पहन लियो फिर वो लेगी पहगी सगर। मम्मी गंदी हो जाएगी ग्वालियर जाने से पहले। और मम्मी ट्रेन में जाएंगे या फिर बस में जाएंगे? देखते हैं क्या ऐसा। मम्मी ट्रेन में चलना है और मैंने पता है इससे पहले कभी भी ट्रेन में सफर नहीं किया। तो एक काम करेंगे बस से जाएंगे, ट्रेन से आएंगे, लौटते में आ जाएंगे ठीक है। तो गाइस मुझे ग्वालियर जाना है और नया लहंगा पहनना है, तो मैं आज की नई चप्पल और नई जूतियों का स्वागत करने वाली हूँ। और बाकी इन दोनों को दीदी अपन सो कंफर्टेबल बाकी दोनों को दीदी अपन बताए कहाँ फेंकेंगे? कहाँ पे? गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मम्मी की गलती का सुधार करने के लिए। वैसे आपने ये एक चीज नोटिस की? क्या ये स्कूल की यूनिफॉर्म का स्वेटर है जो कि हमको मम्मी 4-5 साल बाद भी पहना रही है। उसको छोड़ो चलो चलते हैं। नमस्ते नमस्ते करो पापा। अंकल आंटी तो नहीं जाते हैं वो, अंदर तो देखे ही नहीं है, ये सामान लेकर आ रहे हैं वो। तो गाइस मेरी मम्मी कितनी होशियार है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो मम्मी तुमने पता है वो कलर के लिए फॉल तो दे दी लेकिन हाँ है ना। गाइस फाइनली अब हमारे 5:30 चीज के टाइम 5:11 हो रहे हैं पता नहीं, लेकिन इस टाइम हम खाना खा रहे हैं। ऐसा होता है कि जब भी हम सुबह खाना खा लेते हैं मतलब नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद इसी टाइम हम खाते हैं और रात में दूध पीकर सो जाते हैं। तभी खाने में है दाल आलू गोभी की सब्जी और रोटी।